हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। बोला है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक कोई गार्डनर है, मान लीजिए उसके पास 1000 प्लांट है। ही वांट टू प्लांट दिस इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। वो इस तरह उनको गार्डनिंग मतलब इस तरह पेड़ लगाना चाहता है गार्डन में कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है ना वो सेम हो। मतलब अगर यहाँ पे 5 प्लांट लगा रहा है तो यहाँ पर भी 5 प्लांट लगाए, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 प्लांट लगा रहा है तो कॉलम में भी 6 प्लांट लगाए। अगर 7 लगा रहा है तो एक जनरल फॉर्म में क्या, एक स्क्वायर की फॉर्म में वो बनाना चाह रहा है। तो बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। तो कितने और उसको प्लांट चाहिएगी ताकि वो इस फॉर्म में लगा सके कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो सके। तो हमें क्या निकालना होगा, इसका देखना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं हुआ तो कितने प्लांट्स और चाहिएंगे उसको। तो सिंपल 1000 का क्या निकालेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर। देखो दो दो का पेयर बनाया और ये 2 2 4 4 4 3 3 9, तो 3 का होगा 3 3 9, 10 में से 9 गया 1 और अगले 2 0 पेयर नीचे आ गया। 3 के डबल 6, 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं, या तो 100 आया, 100 से कम। देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 61 1 जा 61, किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, 10 में से 1 गया 9, 9 से 6 गया 3, मतलब 39 रिमाइंडर। पर रिमाइंडर से तो हमारे को कुछ काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना। तो इसका मतलब हमने देखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने किया था कि क्या ऐड करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। हमने देखा 31 का स्क्वायर से 1000 बड़ा है, तो 31 के बाद क्या आता है, 32 से ये छोटा होगा। तो 32 का स्क्वायर होता है क्या, हम निकालते हैं, तो 32 का स्क्वायर होता है हमारा 1024। तो अगर हमें 1000 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या ऐड करना होगा, 24, क्योंकि तो 1000 है और 32 का परफेक्ट मतलब 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा, 24। तो हमें बताना है ना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। तो उसको और कितने प्लांट चाहिए, ही नीड 24 मोर प्लांट्स, PLANTS क्या लिख दिया मैंने, प्लांट्स फॉर दिस। हो गया क्वेश्चन, हमको 24 ज्यादा प्लांट चाहिए इस तरह करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।